ईद उल अज़हा का ऑफ कोर्स बकरीद का महीना जो चल रहा है, तो जो 10th संडे जो ईद उल अज़हा जो हम मनाने जा रहे हैं, तो जिसके एक फैमिली के अंदर हर घर के अंदर भी जो है देखा गया है कि डायबिटीज़ का पेशेंट, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर उनके एल्डरली पेशेंट में डायबिटीज़ नहीं है। आज दुनिया के अंदर 1/7 अगर पेशेंटों को, 7 आदमियों को ले लिए, उसके अंदर एक जो है वो डायबिटीज़ का है। और हिंदुस्तान के पॉपुलेशन में एवरी फोर्थ इंडियन जो है डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ इतना एक्सटेंसिवली बढ़ गया है कि आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल सिटी हो गया है। वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट हिंदुस्तान में है। और डायबिटीज़ अगर एक पेशेंट घर में अंदर आ जाता है, वो एक घर का माहौल का, पैसों का, इकोनॉमिक सिचुएशन इतना ख़राब हो जाता है कि यहाँ तक कि हिंदुस्तान का भी जो है बजट और जो जीडीपी ग्रोथ जो गिर रहा है, ये भी एक वन ऑफ दी कारण हो सकता है कि घरों के अंदर जो पैसा, जो मेहनत का पैसा जो कमाते हैं, उसके अंदर वो 65% ऑफ द पेशेंट उनके एल्डरली अनहेल्पफुल्ली, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं रहता बुजुर्गों का, बड़ों का, लेकिन जो कमा रहे बच्चे उनका जो है 65% पैसा इनके दवाओं को लग जाता है। तो ये कहते हुए जो है इसलिए मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, डायबिटीज कोई जरासीम की बीमारी नहीं जो कुछ दिनों तक दवा देकर उसको वो आंग से उनको उनके जिस्म से डायबिटीज को हकाल दें बोलकर। डायबिटीज इज ए लाइफ स्टाइल डिसीज, इट इज सच ए मेटाबॉलिक डिसीज। एक डायबिटीज इज ए मल्टी सिस्टमिक डिसीज, एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, उसे आंग से लेकर, थ्रोट से लेकर, थायराइड से, हार्ट से लेकर, किडनी से लेकर, पैरों की जलन से, सारी बॉडी के पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले डायबिटीज के पेशेंटों को चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल बदलें। और इस साल का थीम भी जो है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का, डायबिटीज एंड फैमिली, द थीम ऑफ दिस ईयर डायबिटीज एंड फैमिली। मतलब कि अगर एक पेशेंट डायबिटीज है तो उसके सारे फैमिली मेंबर्स जो है उसको हेल्प करना है। ये नहीं कि डायबिटिक पेशेंट परहेज रहना और दूसरे उनके मेंबर्स सब खा सकती, पी सकती, ये कर सकते। खैर, कमिंग टू दी आपके सवाल के मजमून को स्ट्राइट अवे आने से टाइम पर, मेरी यही हिदायत है कि ईद उल अज़हा के टाइम पर जो है अल्लाह के फजल से ऐसे कोई साहिब हैसियत का घर नहीं है जो कुर्बानियाँ नहीं देते। जब भी कुर्बानियाँ देते हैं तो वो पूरा गोश्त हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, अल्लाह ताला की एडवाइस के मुताबिक जो है उनको 3 हिस्सों में जो तकसीम होता है। तो नो डाउट हमारे नेबर में कट रहा है तो उनका गोश्त हम ना आ रहा, उनका आ रहा, उनका आ रहा है। एक एक्सेसिव प्रोटीन घर के अंदर आ रहा है, एक्सेसिव कैलोरीज घर के अंदर आ रही। अब वो यूटिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो डायबिटिक पेशेंट भी उठाकर खा लेता है, जिसके अंदर उसके लिपिड्स बढ़ जाते हैं, चर्बी के मिकदार बढ़ जाते हैं, हाई प्रोटीन फूड्स के अंदर किडनी के ऊपर भार पड़ता है, और उसके अंदर के अंदर जो भी वो ये होती चर्बी रहती, वो चर्बी के तरफ से उनका हार्ट भी जो है उसका इफेक्ट होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि बड़े तखबे के साथ जो है जिंदगी करना डायबिटिक पेशेंट, ये नहीं कि जो अगर मिल गया तो सर 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 खा लेना। तो उसके लिए जो है मेरी यही एडवाइस है कि आपको आपके डाइटरी एडवाइस जो भी हिवे ही जो लास्ट मंथ थे वो ये मंथ भी वैसे ही होना चाहिए। अपनी जगह जो खाते पीते बच्चे हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, ग्रोइंग एज है, उनको खाने तो दो, वो खा लेते, नो डाउट उन्होंने बर्न भी कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट का जो उम्र है, जो वंस डायबिटीज डायग्नोस हो जाती, उसकी उम्र में 10 ईयर्स इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एट दी एज ऑफ 50 ईयर्स एक पेशेंट को ये डायबिटीज डायग्नोस हो गया, उसके किडनी, हार्ट, उसके खून के वेजल, सारे चीजें जो है वो 60 ईयर की हो जाती। तो उन्हें वैसे ही एक एल्डरली बिहेव करना चाहिए। 50 ईयर का पेशेंट, उन्हें जो है कैसा बिहेव करना कि उसकी उम्र 60 साल हो गई है। तो ये चंद चीज़ें याद करते हुए, डाइटरी यानी कि खाने पीने के बारे में कोई ढील छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन घर में मीठा पको या चिकना पक जाओ, या वो सिरे, पाए, भेजे, बोटियाँ, ये तमाम चीज़ें जो है ये ऑर्गन्स जो पकाते, इसके अंदर जो है अपनी सेहत खराब कर लेते हैं,
उनका GIT सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक सिस्टम फ्रॉम माउथ टू एनस तक जो है, उसका डायरिया, लूज मोशंस, ये तमाम होकर उसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हो जाता है, हेल्थ भी जो है खराब हो जाती। इसलिए जो है मेरी एडवाइस डायबिटिक पेशेंटों को कि वो अपने सेहत पर बरकरार रखें, अपनी डिसिप्लिन को छोड़कर हटे नहीं, घर में पको या ना पको, जो है हर इंडिविजुअल पेशेंट जो है उसकी सेहत का ख्याल रखते हुए उन वही मिकदार पे खाना चाहिए जो बकरीद के ईद अज़हा के पहले से जो खा रहे थे उसी तरीके से खाते हुए ना, और अपने मेडिसिन को भी बरकरार रखना। और अगर नफ्स को कंट्रोल भी नहीं करे, कुछ तो बदपरहेजी होगी, तो इमीडिएटली अपने घर के अंदर सेल्फ मॉनिटर ग्लूकोज चेक करते हुए, अगर इफ द पेशेंट आर ऑन इंसुलिन, आई एडवाइज देम बेस्ड ऑन देयर शुगर हाई की कुछ होती तो एक 4 या 6 यूनिट्स अपने आप में इन दिनों में बढ़ा भी देना मिकदार में, और अपने अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से भी जो है उसका ताल्लुक जो है इधर फोन से हो या उनके पास जाकर जल्द से जल्द उसे ग्लूकोज को कंट्रोल करना, क्योंकि वंस अगर ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हुआ बॉडी में तो हर ऑर्गन्स पे उसका बैड असर पड़कर उसके कॉम्प्लिकेशंस को चले आते हैं। जो मैं एंड में जो है मेरे सारे पेशेंटों को एक बकरीद की मुबारकबादी, और अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, आपको जो है वो अखल सलीम भी दे। मैं दुआ करता हूँ कि जो है ज्यादा से ज्यादा वो प्रोटीन्स वो बकरे के ऑर्गन्स को सब खाने कम करें, और बस हम मैं लास्ट में यही मैसेज देता हूँ कि हम हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए हुए तरीक़े को अपनाएं खाने पीने के अंदर, और आपकी सुन्नत है कि आधा पेट खाना खाना, पौ पेट पानी पीना और पौ पेट खाली रखना नेक्स्ट खाने के लिए या दूसरों की भूख को पहचानने के लिए। यही कुर्बानी हमारी सारी ज़िंदगी में अगर हम दिए तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर हर हाल से फजल होता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। की जिंदगी जो है एक वेजिटेरियन थी, एक अल्लाह ताला जो है एक नबी को जब सेलेक्ट कर लेता है तो उसकी उसका गजा उन्हें एक रूहानी गजा ज्यादा खिलाता ताकि एक दुनियावी चीज हो। तो आप भी जो है ऐसे कोई हम हदीसें नहीं मिलते कि हुजूर सल्लम वो फलां खाए ये खाए वो खाए तो और रोज खाए, और हमें जो है हमारा एक एज ऑफ ऑन गोइंग डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायबिटीज 10 इयर्स एंड 12-15 इयर्स के अंदर है ना, इवन वेजिटेबल्स भी जो है डायबिटिक पेशेंट को ख़राब कर सकते हैं उसकी किडनी को। तो इसलिए जो है यूजुअली डाइट्रिशियंस क्या करते हैं, तरकारी को जब काट कर लेते तो उसको अच्छे पानी में उबाल लेते, उबाल कर उसका पानी को पूरे मिनरल्स वो तरकारी में से निकाल लेकर बाद जो है उसका वो जो चौथा बनता है वेजिटेबल उसको जो है पका कर खाए। सो बहुत सेहत का ख्याल रखना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स।